नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा घोष और आप सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का चैनल हाउ कैन आई हेल्प यू में। तो दोस्तों, आप में से जो सब जिलेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के मन में अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के द्वारा शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ देखिए, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन के टाइम जो परसेंटेज आ रहा है तो वहाँ पे परसेंटेज को लेकर आप लोगों का सभी का मन में मतलब कन्फ्यूजन है। तो ये परसेंटेज देखिए, ऑलरेडी जो सबके पास सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट आप लोगों के पास है, मतलब अगर फिजिकली जो एक्चुअल ओरिजिनल रिजल्ट होता है उस ओरिजिनल रिजल्ट लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट में आप लोगों का देखिए नीचे तरफ ओवरऑल परसेंटेज एको दिया जाएगा। अगर उस जगह पे आपका परसेंटेज है तो उस परसेंटेज को आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और एक चीज, अगर जो सबका अभी तक मतलब सिक्स टर्म का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, ये सब लोग जितना भी सारा सेमेस्टर का है आपका, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो ये सब सेमेस्टर का जो परसेंटेज है ये तो आप लोग के पास है, तो टोटल सिक्स सेमेस्टर, जो लोग ने छठो सेमेस्टर दिया छठो सेमेस्टर को प्लस कीजिए, उसके बाद उसे सिक्स से डिवाइड कर दीजिए। और जो सब लोग लेटरल से एडमिशन लिए, मतलब दो साल का किए थे, दो साल का चार सेमेस्टर होता, चार सेमेस्टर का जो परसेंटेज है उसको प्लस करके फोर से डिवाइड कीजिए, जो आएगा वही वहाँ पे आप लोग डाल दीजिए, कोई भी गलत नहीं है। और अगर किसी को भी थोड़ा बहुत अगर चेंजेस यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत गलती हो जाता है ये परसेंटेज डालने में, तो इसका कोई दिक्कत नहीं, जब आप लोग वहाँ पे काउंसलिंग में जो कॉल लिस्ट आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तो इस टाइम इसका कोई भी ज़्यादा इशू, बड़ा इशू नहीं होगा। और एक चीज़ होगी आपका परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट लोगे, मतलब डोमेसाइल सर्टिफिकेट को लेके, तो डोमेसाइल सर्टिफिकेट देखिए सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये कंपलसरी है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको सीट अलॉटमेंट मिलता है, अलॉटमेंट लेटर, तो डोमेसाइल सर्टिफिकेट आपके लिए कंपलसरी होगा। मगर अगर आप एक एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट है और आपके पास वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको डोमेसाइल सर्टिफिकेट का कोई भी रिक्वायरमेंट है नहीं, मतलब बिना डोमेसाइल सर्टिफिकेट की आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, जो डोमेसाइल सर्टिफिकेट है ये स्टेट गवर्नमेंट, मतलब वेस्ट बंगाल का स्टेट गवर्नमेंट आपको ये इशू करेगा, और जो वेस्ट बंगाल का ही कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट भी इशू करता है वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट ही, तो देखिए दोनों एक ही हो गया। तो इसके चलते जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो उन लोगों के लिए अभी डोमेसाइल सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है नहीं। तो ये था कुछ डिटेल्स। और एक चीज़ देखिए, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट सभी के लिए कंपलसरी होगा, मगर ये एंटी रैगिंग अभी आप लोगों को निकलवाना नहीं है, ये जब कोई अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर उस कॉलेज का नाम देके वहाँ पे नेम उसको डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो डोमेसाइल सर्टिफिकेट के साथ, डोमेसाइल तो अभी मिल जाएगा, मतलब एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट तब आपको वहाँ से निकलना है। तो ये था कुछ डिटेल्स, और भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा फ्यूचर के दिनों में भी। तो अभी भी अगर आप लोग के मन में कोई भी सवाल हो और जिलेट के या इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ भी चीज़ जानना चाहते तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग का जो सबका रैंक बहुत ज़्यादा है तो आप लोग चाहते हैं जब बिना काउंसलिंग के हम लोग डायरेक्ट एडमिशन लेना, तो भी आप लोग मेरा हेल्प ले सकते, मुझसे कांटेक्ट कर सकते व्हाट्सएप के थ्रू, जिसका नंबर भी मैं नीचे दे दूंगा। तो इसके द्वारा आप लोग का जो भी प्राइवेट कॉलेज है, अगर वहाँ पे सीट खाली मिलता है और आपका जो भी रैंक है उसका हिसाब से अगर आपको वहाँ पे मैच कर जाता है तो मैं आप लोग को एडमिशन का वहाँ पे अरेंजमेंट करवा दूंगा।